एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास एक डेसिमल दे रखा है जिसमें हमारी 4 डिजिट दे रखी है और एक डेसिमल दे रखा है जिसमें हमारी 3 डिजिट दे रखी है। अब हमें इसको अरेंज करना है। सबसे पहले अरेंज कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम 4 डिजिट वाली जो नंबर से हमारे उसको यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, ये हमारा पीछे से काउंट होता है हमारा डेसिमल, यहाँ 2 के बाद डेसिमल है। तो अब हमें जिसमें 3 डिजिट है इसको हमें यहाँ पर अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करने के लिए हमारा जो डेसिमल है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी होता है। देखिए इसमें हमारी 4 डिजिट आएगी, इसमें हमारी 3 डिजिट है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बाकी 2 डिजिट हमारी पीछे चली जाएंगी। तो अब हम इसे क्या करना है, एडिशन करना है। डेसिमल का एडिशन कैसे करेंगे, सिंपली हमें जो एडिशन होती है हमारी, जो हम जमा सीखते हैं एडिशन सीखते हैं, सिंपली वैसे करेंगे। 3 2 5 और 7 6 13 हो गया, 1 कैरी करेगा। 4 9 13 होता है, 13 में 1 कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 1 कैरी करेगा। 6 और 1 कितने हो गया 7 हो गया, तो हमारा क्या आ गया 7 4 3 5। अब हमें डॉट लगाना है, डॉट यानी के डेसिमल हमारा कब आएगा एडिशन में, हमारा 1 2 1 2 यानी के 2 के बाद हमारा यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ये हमारा क्या है 2 के बाद डेसिमल है, 2 डेसिमल प्लेस है। और इसी तरह हमारा 6 और 2 है, ये क्या है 2 डेसिमल प्लेस है, यानी के 2 के बाद डेसिमल आ रहा है। और हमारा जो आंसर आया है 74.35। तो नॉट द डेसिमल विल बी प्लेस ए सेम 2 डेसिमल प्लेस, इसमें एडिशन में क्या होता है जो हमारा डेसिमल होता है सेम प्लेस पर हमारा क्या आता है डेसिमल आता है 2 के बाद एडिशन में, यहाँ बाद 2 के बाद आ रहा है तो हमारा जो डेसिमल है वो भी हमारा यहाँ 2 के बाद ही आएगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज लिया है डेसिमल, हमने यहाँ पर जो नंबर लिए है उसमें क्या है एक 5 डिजिट का नंबर है 4 डिजिट का नंबर है, एक में आफ्टर 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, एक में आफ्टर 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है। तो इसका एडिशन कैसे करना है, इसको हमें प्लेस कैसे करना है, सबसे पहले हमने पहले वाले नंबर्स लिख के यहाँ पर, नेक्स्ट हमने इसमें 3 के बाद 1 2 3 आफ्टर इसके बाद हमने डॉट लगाया है ओके। और यहाँ पर हमारा 4 डिजिट वाला है तो इसको हम प्लेस कैसे करेंगे, हमारा है डेसिमल के नीचे हम डेसिमल को पुट करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा 27। यहाँ पर आ गया हमारे पास, यहाँ पर 4 डिजिट है और यहाँ पर 5 डिजिट है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ एज्यूम किया है हमने यहाँ पर 0 हमने यहाँ पर मान लिया है ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करनी है। सिंपल एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 यहाँ पर एज्यूम किया था तो हमने यहाँ 0 मान लिया, तो ये हो गया मेरा 2। और 3 7 कितना हो गया 10 हो गया, 1 कैरी करेगा। 7 और 2 9 प्लस में 1 कितना हो गया 10, 10 का गया यहाँ 0, 1 कैरी करेगा। 2 और 5 7 होता है, 7 और 1 कितना हो गया 8, तो यहाँ 8 हो गया। 1 और 6 कितना होता है 7 7 आ गया। अब हमें यहाँ पर बात आती है कि डॉट कहाँ पर लगेगा, तो डॉट हमारा आएगा 1 2 3 3 के बाद हमारा डॉट आएगा, क्योंकि इसका आने का रीजन क्या है, सबसे जो हाईएस्ट हमारा है हाईएस्ट हमारा 5 डिजिट में था और लोएस्ट हमारा था इसमें 4 डिजिट में था। तो जो हाईएस्ट वाला होता है स्कोर उसके बाद वाला हम डेसिमल काउंट करते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 3 के बाद हमारा डॉट है, यहाँ पर 2 के बाद डॉट था तो हाईएस्ट वाला यहाँ काउंट करेंगे डेसिमल 1 2 3 3 के बाद डॉट है तो 1 2 3 3 के बाद हम डॉट लगाएंगे। और ये इसलिए लगाएंगे बिकॉज द 3 डेसिमल प्लेस हमारा जो है वो हाईएस्ट प्लेस है। नॉट द डेसिमल विल बी प्लेस हाईएस्ट डेसिमल प्लेस एग्जांपल 3, तो आफ्टर 3 के बाद हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो ये थी हमारे एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्यारे बच्चों आपको 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करके दिखाए, आपको आशा करती हूँ अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसका
आंसर क्या होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इससे मुझे ये पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को।